बात हम चाहते हैं कि इस साल जैसा बोर्ड का रिजल्ट आ रहा है, 10th का बोर्ड का रिजल्ट आएगा, वो भी 10th के बोर्ड में हमारे फतेहाबाद ब्रांच से एक अच्छा रिजल्ट 10th बोर्ड में भी आएगा, और आने वाले टाइम में जो जेई मेन और जो आरएम के बच्चे जो मेडिकल में नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, एक अच्छा रिजल्ट हम ब्रांच को, एक फतेहाबाद को, आकाश फतेहाबाद को एक अच्छा रिजल्ट देगा, जिससे हमारे बच्चे नीट डॉक्टर्स और ऑलरेडी देंगे। इसके लिए आप लोगों के सभी के सपोर्ट की आवश्यकता है, और जो आप ऑलरेडी कर भी रहे हैं सपोर्ट, थैंक यू फॉर ऑल। छोटे से इनवाइट फतेहाबाद से नॉर्मली बच्चे निकलने शुरू हो चुके हैं, एक साल की जर्नी में हम ऑलरेडी रिजल्ट अभी तक 2 IAS, एक ISO और एक NSO में हम दे चुके हैं रिजल्ट, IMO और NSO में, और ये जर्नी हम लगातार शुरू कर रहे हैं और करते रहेंगे। सर्वेश प्लीज। मजा है क्या? आती है कि कई बार गवर्नमेंट स्कूल में या ऐसे स्कूल में पढ़ता है जहां लाइटिंग की इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं होती, या बच्चे यहां पूरी लाइट में एसी रूम में हैबिचुएटेड हो चुके होते हैं टेस्ट देने के, तो कृपया आप लोग भी घर में जब ये पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा भी माहौल क्रिएट करेंगे कि कम लाइट में पढ़ें, मास्क डाल करके पढ़ें, तो इन सारी चीजों का ख्याल रखना है। और गजट से जितना दूर रहेंगे, मैं आजकल देख रहा हूं बच्चों को सबसे ज्यादा गजट के नजदीक जाने लगे हैं, तो ये मदर की ड्यूटी बनती है, मैम आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे, गजट उनको दीजिए लेकिन थोड़े से टाइम के लिए, गजट से थोड़ा दूर रहें वो। अभी मोबाइल कई बच्चों को मैं देखता हूँ कहते हैं मैं इस पर पढ़ाई कर रहा हूँ, मैम कोरोना काल जा चुका है, अभी फेस टू फेस इंटरेक्शन की बारी है, और किसी भी टीचर की रिप्लेसमेंट नहीं है, आप लोग सबसे पहले टीचर हो, एक मदर पहली टीचर होती है फैमिली में, तो आपको पता है कि टीचर की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, तो बेहतर होगा कि इनको मोबाइल ना दिया जाए, अगर मोबाइल देना भी है केवल वेयर अबाउट जानने के लिए कि कोई दिक्कत आ रही है कि नहीं, तो वो जो डब्बा वाला मोबाइल होता है ना जिसमें वो दिया जाए, स्मार्ट मोबाइल ना दिया जाए, तो इन सब पर थोड़ा सा ख्याल रखा जाए। खाने की व्यवस्था, और एक हेल्दी माइंड तभी रहेगा जब थोड़ा खेलेंगे भी। द डेज हैव गॉन व्हेन पीपल यूज्ड टू से कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे हैं जो खेल कूद करके आप देख रहे हैं IPL में झंडे गाड़ रहे हैं, और मैं एक आर्मी पब्लिक स्कूल का प्रिंसिपल भी रहा हूँ जहाँ हम लोगों की ट्रेनिंग होती थी IMA वगैरह में, तो वहाँ हमारे जनरल साहब हम लोग कहा करते थे कि बच्चे को उस लायक भी आप लोग प्रिपेयर करो कि बॉडी के सारे सेल लिविंग रहे, नहीं तो NDA में आएंगे, IMA में आते हैं, ट्रेनिंग करने के बाद क्या होता है कि बैकलॉग लग जाती है, वो या तो घायल हो जाते हैं या अपना काफ मसल वगैरह टियर कर लेते हैं, तो इनको भी मैम खेलने दीजिएगा, पूरे बचपन को एंजॉय करने दीजिएगा, और तभी ये पढ़ाई करेंगे, जब बॉडी के सारे सेल चार्ज रहेंगे तो ये अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे। तो आप लोगों की ड्यूटी बनती है, खाने पर इनके ख्याल रखिएगा, ये भागते नजर आएंगे, मुझे पता ही ये नहीं खाते, खासकर लड़कियों का क्या हाल है कि हम दुबला पतला रहना ही पसंद करते, मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, मुझे पता है कि वो एक फिगर मेंटेन करना है, वो जीरो फिगर मेंटेन करना है, ये स्टूडेंट का भी यही हाल है, मुझे दूध नहीं पीना, लेकिन अभी जो एनर्जी ये गेन करेंगे ना वो एनर्जी नीट में और इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन में काम आएगी, तो इनको हर एक रफ एंड टफ एटमॉस्फियर में ट्रेंड करना है, हम लोग भी यहाँ ट्रेंड करने की कोशिश करेंगे, घर में भी ऐसा एटमॉस्फियर देना है, और इनमें नीड क्रिएट करना है कि देखो हमारी इतनी फैसिलिटी है, मुझे पता है कि बहुत प्रोस्पेरस रीजन है ये फतेहाबाद, सिरसा फतेहाबाद, मैं नरनौल में था वो थोड़ा सा पॉवर्टी वाला रीजन था, वहां के बच्चे गरीब लोग बहुत थे, वहां के बच्चे उसको किलर इंस्टिंक्ट बनाकर पढ़ते थे मैम, मुझे अभी भी याद है सर चंडीगढ़ में हम लोग गए हुए थे और बच्चे वो हमारे बच्चे गए सर मैम 7 बच्चे थे, सबसे ज्यादा तालियां बजी थी हिसार के लिए, नरनौल के लिए और पंचकुला के लिए, उसमें एक बच्ची के लिए मैं अनाउंस कर रहा था और मुझे याद है एक पेरेंट का, उन्होंने कहा मैं भी आ जाऊं, मैंने कहा हाँ हाँ आइए मैम, वो अपने गांव की पहली बच्ची थी जिसने नीट क्रैक किया था और वो एम्स में जा रही थी, तो पेरेंट्स का उत्साह मैंने देखा हुआ है, पेरेंट्स को मैंने देखा हुआ कितनी मेहनत करते हैं हम लोग, विंग गार्डियन जो मेल लोग हैं हम लोग केवल पैसे दे सकते हैं, वेयर अबाउट पता कर सकते हैं, थोड़ा सा गाइडेंस दे सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आप ही लोग उनके साथ रहते हो, तो उनके हेल्थ का ख्याल रखना आपकी ड्यूटी है, उनमें वैल्यूज वगैरह, व्हाट इज गुड व्हाट इज नॉट गुड, क्या करना चाहिए, किधर जाना चाहिए, किन की बातें मानना चाहिए, ये सारी चीजें थोड़ा सा रिक्वेस्ट है
इसको पेरेंटिंग कहते हैं, आप सभी बहुत अच्छी पेरेंटिंग कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा इन पर भी, और कभी ये नहीं दिखाना है कि देख हमारे पास इतना है, हम तुम्हारा एडमिशन रशिया में करा देंगे, यूक्रेन में करा देंगे, चाइना में करा देंगे। मैम इनमें नेसेसिटी क्रिएट करना है कि जितना ये कमाना था पापा ने बहुत स्ट्रगल किया हुआ इसको पाने के लिए, तुम्हें इसमें चार चांद लगाना है, अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें कुछ गेन करना है, तभी ये ज्यादा अच्छा से अच्छा करेंगे। मैं देखता हूँ बहुत सारे पेरेंट्स अपनी दिखा देते हैं, भाई ये तेरे लिए ही है, ये तेरा ही है, और जो इन पर प्रेशर भी बनाना है थोड़ा सा अच्छी तरह से, किसी और से कंपैरिजन मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे हर स्टूडेंट की कंपटीशन उसी से होता है, किसी और से कंपटीशन नहीं है। अपने लिए छोटे छोटे टारगेट सेट करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें, वो इनके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि दूसरे के साथ कंपैरिजन करेंगे तो उस बच्चे को तो ये जानते नहीं है कितना पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, किस माहौल में वो पढ़ रहा है। तो आप सभी बच्चों का कॉम्पिटिशन आपसे ही है, आपको पढ़ना है। पेरेंट्स जो आप पर खर्च कर रहे हैं, एक चीज याद रखिएगा बच्चों, सिख इंडस्ट्री में कोई भी इन्वेस्ट करना नहीं चाहता, सभी चाहते हैं सनराइज इंडस्ट्री में, सनसेट इंडस्ट्री में कोई नहीं जाना चाहता। तो ये पेरेंट्स जो इन्वेस्ट कर रहे हैं इसका आउटपुट आना चाहिए। लाखों रुपए आप में लग रहे हैं, मुझे पता है हम लोगों को कितना आप लोग फी दे रहे हैं, या बाकी एरिया में भी स्कूल में कितना फी दे रहे हैं, सारा कुछ कॉस्टली है। तो आप लोग भी ऐसे मेहनत करना कि आउटपुट इनको दिखे। जब आपका सिलेक्शन होगा सबसे आगे आपके मम्मी और पापा ही रहेंगे, हम लोग तो साइड में, हमारे टीचर बंधु साइड में डांस करते नजर आएंगे, एंड सोसाइटी में अचानक ही छलांग आ जाता है बेटा। तो थोड़ी सी मेहनत करना, सोसाइटी क्या कर रही है उस पर मत जाना, प्रेशर किधर से पड़ रहा है प्रेशर नहीं लेना है, प्रेशर देना है उनको पढ़ाई करके, अच्छी तरह से पढ़ाई कर। आपको केवल अपना एम याद रखना है कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसा रॉ मटेरियल बनना है, जिसको सारे लोग कम से कम ये तो पूछे यार कहां से पढ़ा है, कैसे पढ़ा, क्या किया। आप लोगों को हम लोग बुलाएंगे बाहर से भी, जो हमारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, सेमिनार कराएंगे, वेबिनार कराएंगे, हौसला अफजाई करते रहेंगे। लेकिन फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैम और सर आप लोग पेरेंटिंग पर थोड़ा विशेष ध्यान देना, इनको हर रफ एंड टफ माहौल में, यह नहीं है कि तुम्हारे लिए एसी लगा देते हैं पढ़ाई कर, क्योंकि एसी में बच्चा पढ़ता रहेगा और अचानक सेंटर पड़ गया नीट का, और वो सेंटर पड़ गया किसी ऐसे सरकारी स्कूल में जहां कोई व्यवस्था ही नहीं है, फैन भी वहां धीरे धीरे चल रहा है, तो इरिटेट हो जाएगा। और वहां बच्चों को कहते हैं कि आपकी कॉन्सेंट्रेशन फर्स्ट क्वेश्चन से जो शुरू हो रही है 180th क्वेश्चन तक यही होना चाहिए, तो कॉन्सेंट्रेशन लैप्स कर जाएगा, ये क्या है, क्या व्यवस्था है। तो हर माहौल में आपको तैयार रहना है, कभी लाइट को ऑफ करके पढ़ना है, डिम लाइट में भी, कभी गर्मी में भी अच्छी तरह से तैयारी करनी है, ये नहीं कि एसी में पढ़ रहे हैं वहां नहीं मिला तो फिर तो हमारा बॉडी का सर्कैडियन रिदम ही डिस्टर्ब हो जाएगा। और आपको जितने क्वेश्चन वगैरह लगाने हैं याद रखिएगा दैट विल बी फ्रॉम 3 to 5:20 या रादर 2 to 5:20, जिसमें आपका टेस्ट होगा। जो मेडिकल के लिए आने वाले हैं मेडिकल के लिए आ रहे हैं, ऑफलाइन टेस्ट होगा तो ऑफलाइन, एंड ऑनलाइन के लिए आपका टेस्ट हम लोग कंडक्ट करेंगे, ये नहीं कि आप मोबाइल खरीद वाले हैं लैपटॉप खरीद वाले हैं, उनकी जरूरत बिल्कुल ही नहीं। हम लोग गए हुए थे चंडीगढ़, एक लड़की ने, मुझे बहुत खुशी हुई, एक चंडीगढ़ में बच्ची ने, हमारे आकाश की बच्ची ने पूछा योगेश्वर दत्त जी से कि सर 2008 में आपको कोई मेडल नहीं मिला ओलंपिक का, तो आपने क्या किया, क्या आप भी गजट से दूर थे। उन्होंने कहा सबसे पहला मैंने काम किया अपना मोबाइल तोड़ करके फेंक दिया, और 2013 में जब मुझे मेडल मिला, अपने हरियाणा के ही हैं योगेश्वर दत्त जी रेसलिंग चैंपियन, उन्होंने कहा 2013 में जब मुझे मेडल मिला तो मैंने अपने एक फ्रेंड को कहा यार तेरे पास है ना फोन नंबर है ना, ये मिला, मैं अपने मम्मी पापा से बात करना चाहता हूँ। तो उन्होंने भी कहा था, मतलब एक रेसलिंग का बंदा जिसकी कॉन्सेंट्रेशन वहां नहीं होती पढ़ाई वाले मामले में, पढ़ाई बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन का काम है, रेसलिंग दाव पेच का काम है, उन्होंने कहा था इससे डेविएशन होता है, शब्दिया डेविएशन होता है। तो आप लोगों को थोड़ा दूर रहना है उससे, जो भी प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन के रिगार्डिंग बाकी चीजों के रिगार्डिंग आप आइए अपने टीचर से पूछिए, अगर कोई दिक्कत आती है हम लोग भी कभी कभी विजिट करते ही रहेंगे, हम लोगों से पूछिए, आप लोगों की मैक्सिमम हेल्प कराने की कोशिश की जाए, ठीक है। लेकिन एनर्जी अपनी चैनलाइज करने के लिए सबसे पहले मम्मी पापा का कहना मानना पड़ेगा। ये जो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कल्चर है मेरे ख्याल से ये नहीं, अब सोने के लिए भी जाते हो पॉजिटिव एनर्जी खींचो ना यार, पैर से छू करके आशीर्वाद लो ना, बॉडी चार्ज हो जाएगी, हैप्पीनेस आप में रहेगा। आप कहोगे कि ये तो बिल्कुल पुराने कल्चर की बातें कर रहे हैं, बेटा जो उस जमाने का कल्चर हुआ करता था, जो बैठे हुए हैं सर बैठे हुए हैं, उस जमाने की जो डिसिप्लिन हुआ करती थी, और थोड़ा सा मिसिंग है अभी, आप लोगों को उसी जमाने के टाइप का प्रोडक्ट बनना है।
कंपटीशन उससे भी ज्यादा हो गया है, 0.5 मार्क्स के लिए भी कंपटीशन। मुझे ये कहने में कोई हिच नहीं है कि जिस एज में आप लोग जितना जानते हो उतना मैं नहीं जानता था, मेरा बेटा जितना जानता है अपनी उम्र में उतना मैं नहीं जानता, क्योंकि उसके पास सारी चीजें मौजूद है। पहले के जमाने से ज्यादा नॉलेजेबल टीचर जिनके पास सारी सारे नॉलेज है वो मौजूद है। कॉम्पिटिशन बहुत ही ज्यादा हो गया है, एंड प्रेशर नहीं लेना है, पढ़ करके प्रेशर देना है। आपके पेरेंट्स को लगे कि हाँ हम पैसा खर्च कर रहे हैं तो कहीं बहुत अच्छी जगह खर्च कर रहे हैं, तो इसका ख्याल रखिएगा। दिस वन, थैंक यू सो मच। और रीजनल सीट के लिए सिलेक्ट हुए। इनके अलावा भी कुछ हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलरली हमारी क्लासेस अटेंड करते हैं, बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, जैसे पीयूष है, इधर कंचन है, नमिता है, देवदक्ष है, तरुण है, हुनर है। हुनर तुम्हारा भी होता है थोड़ा? छोटा सा इसके बोर्ड एग्जाम भी आ रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आए हुए सभी पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स को गुड आफ्टरनून। जैसा कि आप जानते हैं, आकाश एक नेशनल ब्रांड है, नीट एंड आईआईटी की कोचिंग फील्ड में काफ़ी ऊंचा नाम है उसका। जैसे कि हम पहले दिल्ली ब्रांच में, जनकपुरी की ब्रांच में थे, लेकिन यहाँ पे रिक्वायरमेंट हुई तो हमारा ट्रांसफ़र यहाँ पे किया गया है, ताकि स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि थोड़ा सीनियर फैकल्टी यहाँ पे आए, ताकि हम और अच्छे से कुछ चीज़ें गेन कर सकें। और ये बताते हैं काफ़ी खुशी हो रही है कि हमारा जो आरंभ बैच है उसके अंदर स्टूडेंट्स हैं जो अभी एक बार जो नीट हो रहा है उसके अंदर काफ़ी अच्छा रिजल्ट ला के देंगे हमें। एंड हम भी ट्राई कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जितना हम प्रोवाइड करा सकें, अपना सपोर्ट प्रोवाइड करें, उनके डाउट्स हैं वो सॉल्व करें, ताकि वो अच्छी कंडीशन में जा सके, नीट क्वालिफाई कर सके। तो मेरा तो यही मानना है कि जितना भी स्टूडेंट्स जो भी हैं यहाँ पे, जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, अगर आप दिन रात मेहनत करके अपने टारगेट को सेट करके मेहनत करोगे तो वो दिन दूर नहीं जब जो ये पोस्टर लगे हुए हैं यहाँ पे आपका नाम आएगा। तो सभी को ऑल द बेस्ट बोर्ड के लिए, एंड थैंक यू आप सब लोग आए, थैंक यू सो मच। तो कॉन्टिन्यूटी अपनी प्रेजेंट में रहते हैं, जैसे एक तरह से जो अकेडमिकली भी अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तरुण, तरुण बैठे बेटा, आज तरुण क्लास में है। I request teachers please join me. Huge class 8. Next one is रिदम सेतिया क्लास 9। जतिन जिंदल क्लास 9। वनीता क्लास 8। कंचन क्लास 8। आप ऐसे ही आकाश के साथ, आपको जो फीडबैक आपको लगता है आप हमें देते रहिए, ताकि हम भी उसको अच्छा रख रहे हैं। विश के हम मिल के फतेहबाद पे अच्छे रिजल्ट, अच्छे डॉक्टर्स इंजीनियर जैसे देते आए हैं और देते रहेंगे। थैंक यू। एक छोटी सी रिफ्रेशमेंट है सर, प्लीज आप कुछ अच्छे लिए करवा दीजिएगा। कुछ कहना चाहेंगे सर? सर देखिए, आकाश एक रिनाउंड एक्नॉलेज ब्रांड है एजुकेशन के फील्ड में। हम लोग गांव से, छोटे छोटे गांव से भी बच्चों को एंथे के थ्रू पिक करते हैं, उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, गर्ल्स को स्पेशल स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, एंड जो पुअर पीपल हैं उनको भी स्पेशल स्कॉलरशिप में वेरियस मिलती है।
और उनको बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं और इस मामले में बहुत अच्छा कर भी रहा है। जहां तक फतेहाबाद की बात है सर, फतेहाबाद में भी हम लोगों ने बहुत अच्छा किया। एक साल में जो फतेहाबाद का प्यार हमारे साथ मिला, हमने बिल्कुल उसी वे में रेसिप्रोकेट किया। यहाँ का एक बच्चा रीजनल सीओई में सेलेक्ट हुआ है, नेक्स्ट ईयर ये हमारा पोस्टर बॉय में शामिल होने जा रहा है, और अभी जितने भी बच्चे हैं उनमें INMO में, ISJES में और ओलंपियाड्स में बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो हमारे टीचर यहाँ वर्क वंडर कर रहे हैं। हमारी जो अथॉरिटीज हैं, चाहे दिल्ली में बैठे हों, चाहे हमारे रीजनल डायरेक्टर रेस्पेक्टेबल झा सर हैं, चाहे हमारे DD सर रंजीत सर हैं, चाहे हमारे AD सर हैं, बहुत ही अच्छी तरह से इस मामले में हमारी हेल्प कर रहे हैं, घनश्याम सर भी। तो आकाश अच्छा कर रहा है यहाँ भी सर। मैं अभी हमारे पास ना जो हमारे न्यू स्टूडेंट है जिनका एनरोलमेंट हुआ है और हमारे जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है, तो हम बोर्ड बूस्टर भी प्लान स्टार्ट किए हैं, जिसमें जो बच्चे हमारे यहाँ एनरोल्ड नहीं है, ऐसे बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जो स्टडी नहीं कर सकते आकाश में, उनका हम लोग ने 1 वीक का क्लास प्रोग्राम रखा, जिसमें हम पूरा 10 का फिर से सारा सिलेबस उनको रिवाइज कराएंगे। और हमारे जितने भी हमारे जैसे हेड ऑफिस पे जितने भी एक्सपीरियंस फैकल्टी है जो पेपर बनाते हैं बोर्ड लेवल का, वो भी बच्चों के लिए हम पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोड्यूस करवा रहे हैं, जितने भी बच्चे हमारे फतेहाबाद ब्रांच के लिए हैं।